हरियाणा के हिसार की रहने वाली पर्वतारोही अनीता कुंडू को देश के सबसे बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स पुरस्कार तेनजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पर्वतारोहण के साहसिक खेल में भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। नेपाल और चीन दोनों ही रास्तों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली अनीता भारत की पहली बेटी हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनीता को इस सम्मान से नवाजेंगे। कोरोना के चलते इस बार कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा। ये तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार है जो एडवेंचर का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको राष्ट्रपति जी देते हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में मिलता, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी की वजह से आप समझते हैं कि पूरा विश्व आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है, तो उसको देखते हुए ये शायद लाइव अभी तक मेरे पास फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जितना प्रोग्राम आया है सोनीपत में हमारी रिहर्सल होगी और सोनीपत से ही हम वहाँ पर लाइव जुड़ेंगे और वहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी हमें वहाँ पर सम्मानित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी उपस्थिति रहेगी। अनीता ने ये मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। सफलता का श्रेय अपनी माँ को देने वाली अनीता से ही जानिए उनकी उपलब्धियों के बारे में। मैंने एवरेस्ट के 4 अभियान किए हैं जिसमें 3 बार मैं करने में कामयाब रही हूँ। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी हूँ और माउंट एवरेस्ट के बराबर माउंट मनाशुलू 8163 मीटर ऊंची चोटी को मैंने क्लाइम किया है और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां मैंने क्लाइम की है। तो मेरी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने ये इस अवार्ड से मुझे नवाजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी भारत सरकार का जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान एक बेटी समझकर और मेरी मेहनत को देखते हुए दिया। आपको बता दें कि चीन की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का मुकाम अनीता ने पिछले साल मई महीने में हासिल किया था। चढ़ाई के दौरान अनीता कुंडू का एक बार अपने परिवार से संपर्क भी टूट गया था, जिसके चलते उनके परिजन काफी टेंशन में आ गए थे। उस वक्त अनीता अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर थी। अचानक बर्फीला तूफान आने से उनके कैंप को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन एक किसान की बेटी और हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर अनीता को -40 डिग्री सेल्सियस में आया बर्फीला तूफान भी रोक न सका। 36 दिन की कठिन तपस्या के बाद वो एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने में कामयाब हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।